तो छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध और पूर्व मंत्री राजेश मूणत के साथ बीते दिन थाने में अभद्रता को लेकर भाजपा ने धरना प्रदर्शन किया। बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर आयोजित इस प्रदर्शन में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित प्रदेश के कई बड़े नेता मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि प्रदेश में तानाशाही की सरकार चल रही है। अब आपको बता दें कि बीते दिन पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने पुलिस पर आरोप लगाया था कि थाने में उनके साथ मारपीट की गई है। इधर भाजपा के धरने पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का असली चेहरा अब जनता के सामने दिखाई देने लगा है। आज पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति निर्मित है, कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है, चारों तरफ लूट, हत्या, डकैती हो रही है, राजधानी भी सुरक्षित नहीं है और इसी बात को लेकर के धरना का कार्यक्रम दिया गया है। इसके माध्यम से हम सरकार को, अंधी बहरी गूंगी सरकार को हम जागृत करना चाहते हैं और इसके बाद ये नहीं सुनेंगे तो पूरे प्रदेश में करेंगे, सड़क से लेकर के हम सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। यह है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा, पार्टी विद डिफरेंस का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की यही हकीकत है। उनका एक नेता सार्वजनिक रूप से पुलिस के अधिकारियों को विपक्षी दल के लोगों के लिए अपशब्दों का प्रयोग करता है, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देता है, महिला पुलिस अधिकारियों के सामने गालियां देता है, सोशल मीडिया पे उनके गाली देते हुए वीडियो, कम से कम 6 वीडियो वायरल हैं और उस नेता के बचाव में पूरी की पूरी भारतीय जनता